वेस्ट इंडीज वर्सेज साउथ अफ्रीका, अ वेरी गुड गेम. फिर से हम बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे बड़ी बड़ी नर्व रैकिंग गेम्स देख रहे हैं, और एक गलती, एक गलत ओवर और काया पलट जाती है. हेनरिच क्लासन को मिला वो एक ओवर जहां उन्होंने, उनके सामने आया स्पिनर एंड ही सेड थैंक यू वेरी मच, बस वहीं पे मैं गेम खत्म करना चाहता हूं. आपका क्या ख्याल है इस मैच? बोली साउथ अफ्रीका ने तो कसम खाई हुई है उन्होंने आराम से कोई मैच जीतना नहीं, मतलब उन्होंने सारे मैच ऐसे ही थ्रिलर लेके जाने. कुछ अपनी अपनी सी फील आ रही थी वसीम. नहीं, वो जीत जाते हैं, जीत जाने वो जीत. हेलो मेरे यार, जैसे मर्जी आप जीत रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो सब ठीक है. लेकिन देखिए फिर वही बात, वो एक ओवर जो था ठीक है ना, फिर हम उसी पे आते हैं, मैचअप्स के ऊपर, डेटा के ऊपर. इंग्लैंड के खिलाफ क्लासन आए थे, एकदम से पेसर उन्होंने लगा दिया, और आखिर इधर भी कल देखते हैं पेसर आया, बाउंसर पे फंसते थे, वहीं पे आउट हुआ. तो वो एक ओवर जो करवाना था वो आई थिंक वहीं से मैच पलटा, कि उससे पहले रन रेट देखते हैं तो राना बॉल से काफ़ी ऊपर था और वहाँ पे फंसता था मैच, अगर वहाँ पे एक आध विकेट और उनको जल्दी मिल जाती. लेकिन वो 20 का ओवर जब एक लगता गया, वो रिक्वायर्ड रन रेट आप देखें तो बहुत नीचे आ गया, 6 से भी बहुत नीचे वो आ गया था, तो वो मैच चेंज हो गया वहाँ पे. लेकिन वेस्ट इंडीज़ की भी देखें, अगर अब हम देखते हैं जो टीमें मतलब जो बेहतर क्रिकेट खेल रही हैं, लाइक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, उसमें आती हैं ये तीन टीमें अगर हम कहते हैं, और इवन कह सकते हैं अफगानिस्तान भी उनके साथ. आप जी इनमें चॉप एंड चेंजेस इनकी प्लेइंग इलेवन में आपको बहुत कम नज़र आई है ना. वेस्ट इंडीज़ का भी हम देख रहे हैं, उन्होंने पहले एक ओपनर बदला, फिर दूसरा बदला, फिर दोनों बदल दिए. तो वो हर मैच के अंदर ना बहुत ज़्यादा चेंजेस वो भी करते आए हैं. तो आई थिंक वही जो हम बात एक करते हैं ना कि कंटिन्यूटी जो आपकी प्लेइंग इलेवन के अंदर भी होती है, आप सिचुएशनल चेंजेस करते हैं पिच के हिसाब से, या यू नो तीन चार मैचेस किसी के नहीं समझ आ रहे आपको, उसके बाद आप वो चेंज करते हैं. हर मैच में ज़्यादा चॉप एंड चेंजेस करेंगे. बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखते हैं, कभी नीचे वाला ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला कभी नीचे आ रहा है, ये चीज़ें भी हुई हैं. हमने शुरू से कहा था कि रदरफोर्ड जो उनके बहुत नीचे उनको बैटिंग करा रहे हैं, उनको शायद ऊपर बैटिंग करानी चाहिए थी. तो आई थिंक टेक्टिकल काफ़ी मिस्टेक्स हमें वेस्ट इंडीज़ की तरफ से नजर आई, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका ने मौका तो पूरा उनको दिया था. और एक चीज और, मतलब एक टाइम पे लग रहा था कि नहीं जीतने के लिए दोनों टीम्स लग रहा है कि हारने के लिए खेल रही है, जिस तरह ऐसा चल रहा था कि वो समझ नहीं आ रही थी ना कि इस टाइम पे मतलब वो क्या है. लेकिन एक क्रेडिट आप साउथ अफ्रीका को दें कि उन्होंने जिस तरीके से अपने स्पिनर इस्तेमाल किए, जिस तरीके से वो शम्सी को लेके आए, और वेस्ट इंडीज तो अब तो बच्चे बच्चे को पता है कोई स्पिन नहीं खेल सकते, तो इनको ये एरिया तो इम्प्रूव करना होगा, अदरवाइज सारी टीमें उनको उधर ही पकड़ रही हैं. और आदिल रशीद आते हैं वो खेले नहीं जाते, यहाँ से शम्सी आते हैं वो इनसे खेले नहीं जाते हैं. तो अब टेक्टिकली देखते हैं तो वेरी स्ट्रॉन्ग हमें साउथ अफ्रीका की जानिब से चीज़ें नज़र आई हैं, जैसे मार्कम ने बॉलिंग की आके उन्होंने हैवी स्पिन खिलाई इनको बजाय कि इनको पेस देने के. तो आई थिंक टर्निंग पॉइंट वो जो दोनों टीमों में नज़र आया वो टेक्टिकल जो कप्तानी का जो प्लानिंग थी वो भी एक वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र आया उसमें. जी कि ये जो तब्दीलियां हैं सुहेल साहब, ये किस हद तक मुतासर करती हैं? जैसे अभी सिचुएशनल चेंजेस की बात की वसीम साहब ने, जैसे उन्होंने कुलदीप को यूएसए में नहीं खिलाया लेकिन कैरेबियन में जब वो आए तो उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया, तो ये भी एक वजह है वेस्ट इंडीज़ की? देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो आप सिचुएशनल चेंज कहते हैं कि आप कंडीशन को देख के करते हैं, और एक होता है कि आपके प्लेयर्स डिलीवर नहीं कर रहे. तो जो आप जैसे इंग्लैंड ने किया, तो इंग्लैंड ने कंडीशन को देखिए किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी को ड्रॉप किया, यू नो. तो ये एक डिफरेंस डालती है ये चीज़ आपके माइंडसेट में, कि आपकी एक तो 15 लड़के पूरे परफॉर्म कर रहे हो, आप किसी को भी खिला लें तो इट्स अ पॉजिटिव फॉर यू. बट अगर आपके लड़के परफॉर्मेंस नहीं दे रहे और आप फिर चेंजिंग कर रहे हैं, कभी एक को खिला रहे हैं, कभी जैसे उन्होंने जॉनसन चार्ल्स को खिलाया, इस वाले मैच में कार्ल मेज को खिला लिया, ब्रेंडन किंग पहले खेलते रहे, तो ये शो करता है कि फिर बॉलिंग में आप जाएं तो वो रिमारियो शेफर्ड खेल रहे थे, बट ही वाज नॉट ऑब्वियसली. वो बॉलिंग पे मैंने पहले भी बात की थी कि वेस्ट इंडीज का जो वीक लिंक है वो उनकी बॉलिंग है. गो के कल वाले मैच में जो अभी हुआ उसमें उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, बट ओवरऑल देखें तो उनका वीक लिंक उनकी बॉलिंग थी. तो ऑब्वियसली ये चेंजिंग जो है आप एज अ सेट के डिपेंड्स कि आप किस सिचुएशन में कर रहे हैं, फोर्स चेंजिंग है या आप कंडीशन को देख के कर रहे हैं. जैसे फिर अगेन आई रिपीट कि इंग्लैंड जैसे कर रहा है कि वो अपना मेन अटैकिंग बॉलर जो 150 पे करता मार्कवुड, उसको भी समटाइम बाहर बिठा देते हैं व्हेन दे सी के सिचुएशन कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे इनटू द पिच स्लो वन करने वाला बॉलर, लेस पेस वाला बॉलर ज्यादा कामयाब होगा, तो वो सैम करन को ले आते हैं. तो इट डिपेंड्स बैकफायर भी कर जाता है डिसीजन. ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान में हमने देख लिया कि किस तरह स्टार्क को बिठाना बैकफायर कर गया उनके. देखिए तो यही मैं ये तो अब डिपेंड करता है ना कि आप सिचुएशन को या कंडीशन को रीड कितना अच्छा करते हैं. कल वुड को बाहर बिठा के उसने जॉर्डन खिलाया, जॉर्डन आपने देखा कैसे परफॉर्म किया, क्योंकि वहां पे रिवर्स उनको पता था कि रिवर्स होना है, तो उन्होंने उसको खिलाया और डेथ पे उसको बॉलिंग की कराई. मार्क वुड बेसिकली बॉलर हैं जो कि मिडिल ओवर्स में करने वाले हैं, उनका इतना वो अच्छा रिकॉर्ड आप डेथ का नहीं कहेंगे. तो आप देखते हैं कि आपका वीक लिंक कहाँ है, फिर आपके पास 15 के 15 लड़के ऐसे होने चाहिए
कि आप बेशक एक मैच में एक को खिलाएं दूसरे को, मैं खुद इस जैसे हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट अप्रोच कि आपने बैटिंग बॉलिंग कैसे करनी है, इट्स अबाउट पिकिंग योर 11। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक सेट पैटर्न, अब इसकी मिसाल आप देख ले, कगिसो रबादा साउथ अफ्रीका के मेन स्ट्रीम बॉलर है, वुड यू इमेजिन शाहीन अफरीदी बीन प्लेइंग एंड नॉट बॉलिंग टिल 15-16 ओवर? नहीं, नहीं। सो आपने ये चीजें भी देखनी है, ये भी सीखनी है, इट इज मॉडर्न डे क्रिकेट कि आपने 15 के 15 प्लेयर ऐसे हैं कि आप किसी को भी खिला लें और फिर आप सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से किसी को कहीं पे भी यूटिलाइज कर लें। सो ये बीइंग स्मार्ट एज ए कैप्टन, एज ए यूनिट आप स्मार्ट एक्ट करते हैं, आपकी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, ये तो स्ट्रेटजी की चीजें आ गई ना कि आप सब लोग एक तरह से, आपके पास लग्जरी होगी, आपके 15 प्लेयर पहले आप ऐसे पिक करेंगे कि कैप्टन कोच का कॉन्फिडेंस हो के आप किसी भी दिन किसी को भी खिला ले, रिगार्डलेस के यार कौन बड़ा नाम है कौन छोटा नाम है। 15 में जो होते हैं छोटा बड़ा, तो खैर आई डोंट बिलीव कि कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, 15 प्लेयर जो सिलेक्ट होते हैं दे शुड बी इक्वली गुड कि वो इतने होने चाहिए कि आप उनको किसी भी गिवन डे पे किसी गिवन सिचुएशन में खिला सके, दैट्स व्हाई यू पिक 15 ना, वरना तो आप 11-12 ही लेके जाएं। 15 इसीलिए होते हैं कि आपको जैसे वर्ल्ड कप जैसा इवेंट है, हमने न्यूयॉर्क से स्टार्ट किया, डिफरेंट कंडीशन, हम कैरेबियन में गए तो डिफरेंट कंडीशन, तो आप कंडीशन के हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 पिक करते हो, बट अगेन उसके लिए यू नीड टू हैव दैट लग्जरी कि आपके पास वो 15 ऐसे होने चाहिए जिनको आप खिला सके कि वो गिवन टाइम पे रिस्पोंड करें। नहीं, बचपन में हम जो टेबल खेलते थे ना, वो छोटे जब होते हैं फंडामेंटली जब 15 पिक करते हैं, हम इसमें एक ऐड कर रहे हैं, एक मिसाल थोड़ा सा समझ आ जाएगी आपको भी कि जो मतलब सोहेल भी खेला है टेबल, हम बहुत खेले हैं शुरू में, बहुत छोटे 1950 की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे होते थे, हां बिल्कुल, इस वजह से भी ऐसी थी, उस टाइम भी टीवी पे नजर आती थी, हमें कहीं ना कहीं तो होता था ना कि अब एक बच्चा था वो जो लड़का हुआ था ना, वो उसकी जिम्मेदारी होती थी कि बॉल और टेप उसने लेके आनी थी, तो वो लिखा हुआ था कि पहला ओवर यही करेगा, ओपन भी यही जाएगा, जिसका बैट होता था ओपन इसने करनी है, ठीक है, अब जिसने खाना खिलाना है उसको बॉलिंग भी मिलेगी और उसको बैटिंग भी मिलेगी, ठीक है ना, तो उस लेवल पे वो चीजें समझ आती हैं, ना दे तो वो बल्ला लेके बल्ला लेके मैं जा रहा हूँ, तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो ऑब्वियसली कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि इसने ये करना ही करना है या इसने ये करना ही करना है, वो आप अंदर जाते हैं सिचुएशन चेंज हो जाती है, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी कॉल प्लानिंग, जो मॉडर्न क्रिकेट की हम बात करते हैं ये छक्के चौके ये वो तो है ही है ना, असल मॉडर्न क्रिकेट ये है कि हमने जो आपकी स्ट्रैटजी है वो आपने मॉडर्न तरीके से बनानी है, आपने जो सारे आपके पास टूल्स हैं आपने वो यूज करने हैं और स्विफ्ट प्लान करना है कि कब क्या, एक वर्ड में इसको बोलूं ना तो बीइंग फ्लेक्सिबल, यस फ्लेक्सिबल, आप जितने होंगे इन टर्म्स ऑफ योर बैटिंग बॉलिंग उतने ही आपके पास चांसेस होंगे, जैसे मार्क वुड 10वें ओवर के बाद आए थे मेरा ख्याल है, 13वें 14वें ओवर पर बॉलिंग करने के लिए आए थे, वो अगर रखा हुआ था क्लासन के लिए रखा हुआ था, मतलब ये 15 सेलेक्ट करने की जो बात कर रहे हैं ना, मॉडर्न डे क्रिकेट से रिलेट कर रहे हैं, फंडामेंटली 15 से 20 साल पहले भी, 10 साल पहले भी 15 लड़के वो पिक होते थे जो रिडंडेंट नहीं होते, यानी आपको पता है कि अगर 11 लड़के खेल रहे हैं तो ऑन गिवन डे, जैसे कल का चेंज था इंग्लैंड का जो चेंज था, वुड को बार बिठाया और जॉर्डन को खिलाया और जॉर्डन ने रिस्पॉन्ड किया, उसने हैट्रिक भी की और उसने मैच को एकदम से चेंज किया। अनफॉर्चुनेट अगर हम पाकिस्तान से लिंक करना चाह रहा हूँ इस चीज़ को कि पाकिस्तान के पास 11 लड़के खेल रहे हैं, 4 बार बैठे हुए हैं और जैसे जैसे टूर्नामेंट डीप जाता जा रहा है हमारे पास वो 15 लड़के की जो लिस्ट है वो कम होती जा रही है, वो श्रिंक होती जा रही है, यानी हमारे पास एक तो हम 11 पे बिलीव नहीं था, हमारे पास 15 तो दूर की बात है, 11 पे बिलीव नहीं है, तो ये एक फंडामेंटल चीज है जिसपे मॉडर्न डे क्रिकेट हो या कन्वेंशनल क्रिकेट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आज से 20 साल पहले भी 15-16 का स्क्वाड जाया करता था, जब वो लड़के आपको वो पिक करने होते हैं जो आपको ऑन गिवन डे कुछ ना कुछ करके दे, आर इक्वली गुड, कोई ऐसा लड़का नहीं कि यार इसको ट्रेवलिंग पे ले जाओ, यार चलो इसको बाहर बैठा दे कोई मसला नहीं है,